हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज हमारे ऑफिस में एक छोटा सा दिवाली का सेलिब्रेशन यानी कि फंक्शन है, जिसमें हमारा एक छोटा सा डांस परफॉर्मेंस है, तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ देखते हैं ऑफिस में क्या क्या और तैयारियाँ हो रखी हैं, या और भी जो परफॉर्मेंस होंगी वो भी आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं ऑफिस में, और ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें देखने को मिले। तो मिलते हैं हम ऑफिस में। तो गाइज़ ये मैं ऑफिस में आ चुकी हूँ और सब लोग अपनी सीटों में बैठे हुए हैं। तो गाइस ऑफिस में आने के बाद मेरा सबसे पहले काम होता है चाय लेना, क्योंकि इससे ही मेरी एनर्जी बरकरार रहती है और डॉली के यहाँ पे लटके झटके ख़त्म नहीं हो रहे। तो तब तक हमने सोचा कि हम चाय का ही लुत्फ़ उठा लेते हैं, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो है इवनिंग में। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ HR डिपार्टमेंट में, क्योंकि हमें वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है प्रोग्राम का। तो यहाँ पे सारी डिस्कशंस चल रही हैं कि किसका परफॉर्मेंस कौन से नंबर पे है, किसका क्या सॉन्ग है। यहाँ पे सारी HR डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, सारी HR टीम बैठी हुई है, तो वही सोच में सब डूबे हुए हैं। तो ना कभी कभी मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं व्लॉग बनाती रहती हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, फ़ोटो ले रही हूँ। तो बबलीन भी वहाँ पे आ गई फ़ोटो लेने के लिए, बट मैंने उसे कहा मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ यहाँ पे। और विवाह भी यहाँ पे बैठा है। विवाह को लाल परी बना के बुला लिया गया है। नहीं, हमने साड़ी के चक्कर हमने तो काली परी बोला था। काली परी तो शाम को गाइज हमारी डांस परफॉर्मेंस है यहाँ पे, तो जिसके लिए हम ऊपर आए हैं अभी एक छोटी सी प्रैक्टिस करने के लिए। और यहाँ पे मेरे संगी साथी, तो ये है हमारा वो हॉल। तो गाइस हमने बहुत सारी रील बना लिया और बहुत सारी फोटोज भी ले लिए, तो अब हम जा रहे हैं नीचे। इवनिंग में है तो अभी हम करेंगे नीचे। और लिफ्ट का हमने प्रेस नहीं किया बटन, तो लिफ्ट बहुत देर से यही रुकी है। अब जाएंगे हम नीचे और काम नहीं करेंगे। मुड़ नहीं आता है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ, शाम को हमारी परफॉर्मेंस है तो देखना, प्लीज बने रहिएगा और हमें सेलिब्रेट करना। तो गाइज अपनी सीट में हम वापस आ चुके हैं, और आप ये मत सोचना कि ये सुबह की ही चाय है, एक्चुअली में शाम की 4 बज रही हैं और 4 बजे की मैंने दोबारा चाय ले चुकी हूँ। और डॉली भी, क्योंकि डॉली चाय नहीं पीती तो वो शो कर रही है कि मैं पानी पीऊँगी। और अब हम कर रहे हैं टाइम का इंतज़ार कि जल्दी से ऊपर चले जाएँ। बोल सकती है किसमें। तो गाइज अभी हम उमर हॉल में आए हैं और यहाँ पे चल रही है प्रैक्टिस। पीछे हमारा एक टेस्टिंग चल रहा है और थोड़ी देर में हमारी परफॉर्मेंस होने वाली है, और भी लोगों की परफॉर्मेंस है और मेरे साथी भी बैठे हैं यहाँ पे, तो मैं परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे अच्छे से गाना भी चल रहा है। तो गाइज पार्टी का टाइम नज़दीक आ रहा है और धीरे धीरे लोगों का आना स्टार्ट भी हो गया है। जैसे कि कुछ लोग दिख रहे हैं आपको, मनीष जी और मैम यहाँ पे बैठे हुए अपनी सीट को ले। ब्राह्मण
अनल निर्बल कन्या वृद्ध सभी सम्मानित हो, जो द्रोही राज देश का हो वह दंडित हो अपमानित हो, विवेक में समय सबका सुनगुण तान हमारा हो, हो जाए विश्व गुरु विजय हिंदुस्तान हमारा हो। माफ कीजिए ये अभिनंदन है। सभी व्यवस्थित सुगठित सुसज्जित हर निज काम रहे, सभी व्यवस्थित सुगठित सुसज्जित हर निज काम रहे, हंसी खुशी बिखरे इतनी कि लज्जित दुख का धाम रहे, आराम रहे हर एक शाम, थका ना कोई हारा हो, हो जाए विश्व गुरु विजय हिंदुस्तान हमारा हो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हालत ऐसी
जाओ यार, और लोगों का भी लो यार। मैं तो बिना बुलाया है वीडियो कर बड़ा कहते चुपचाप खाते रहो आवाज भी नहीं करो। जनरेटर नहीं मंगाया और पूरी तैयारी की तो जनरेटर नहीं और लाइट चली जाती है, अब लाइट चली जाती है जनरेटर नहीं मंगाया है तो सबसे ज्यादा बुरा लगता है वो दुल्हन की बहन को। छी बाबा ने पापा से कहा कि जनरेटर आ गई, जनरेटर आ गई, लड़की की बहन अलग परेशान है ना। और जो यहाँ पे एक पंचायत चल रही है नेताजी, दुल्हन के घर वाले कुछ चाहिए भी आ गया है, जोड़ी रही नहीं है, आज खुद पे बीत रही है। और एक दूसरे लड़की की माँ बरातियों को भी देख रही है और दामाद को समझा भी रही है, लड़की की माँ। और भले सब ठीक है, कोई शिकायत तो नहीं है भैया, हमसे जो पढ़ पढ़ा हमने किया हमारा फर्ज था कि कोई शिकायत कोई शिकायत तो नहीं भैया, हमने हमारी बिटिया को सब शिक्षा दिया है, सब संस्कार दिया, सब संस्कृति दिया है कि संस्कार जाए तो कोई शिकायत ना रहे भैया, बस यही माँ बाप का सी बात है। हमारी बेटी खुद ही खाना पकाती है, खुद ही खा डालती है, हमारी बिटिया की डेढ़ दो साल अगर दिखाई हुई कुछ पसंद ही नहीं किए और तुमसे हो गया अच्छे से रखना छोड़ना नहीं।
तो गाइस पार्टी फिनिश होने के बाद मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए, और मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ है, रात के 9:30 बज रही है, फिर भी लोगों की शॉपिंग ख़त्म नहीं हो रही क्योंकि दिवाली बहुत ज़्यादा नज़दीक है और सब अपनी शॉपिंग में लगे हुए हैं। तो गाइस मैं फाइनली घर पहुँच चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरी आँखों से भी आपको लग रहा होगा, और तानिया भी यहाँ पर अपने फ़ोन चला रही है, बिज़ी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।